रात में 2 बजे आपको भूख लग रही हो और इतना मीठा ऑरेंज मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। आप भी ऐसे चिट लगा के जा रही हो भाभी की तरह, जैसी सास वैसी बहू। निकालो। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ के अलहमदुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और अम्मी सबसे पहले अभी होता आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जितनी तारीफ करो कम है। फ्रेंड्स, मुझे ये आया था कोलैबोरेशन के लिए और इतना प्यारा मुझे ये सूट लग रहा है कि मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आज ही ईद है, आज ही सब कुछ है, सही है ना? शादी है ईद है और तुम्हारे इसमें और 4 चांद लगा दिए। किसने? मांटी का। ठीक है, ओके। तो अभी हम जल्दी से फोटो शूट करके आते हैं, उसके बाद से मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम डोनट बनाने जा रहे हैं। आप जानते हो डोनट क्या होता है? खाने वाली चीज। कैसा होता है खाने वाला? होता है डोना नहीं, डोनट। डोनक? डोनक नहीं, डोनट। डोनट हाँ, क्या होता है? देखना जब बनाएं। चलो बताना, कुछ केक से बनता है का? हाँ देखना। ठीक है, कल भाई ने आ तुम। मैं हील पहन के सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है नीचे, ओ शिट, नीचे ही जाएगी। लेट मत करा भैया। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फोटोज क्लिक कर लिए और अभी हम जल्दी से जा रहे हैं घर। वीडियो एडिटिंग कर रही थी इसलिए मैंने इस चश्मा लगा रखा है, प्लीज हंसना नहीं। और मैं शाम को 7 बजे अपना लंच कर रही हूँ, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और अभी भी टाइम नहीं, इसलिए मैं जल्दी से लंच करके आगे के दूसरे काम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज आप ये पार्सल अनबॉक्स करो, मैं थक गई अनबॉक्सिंग करते करते। फ्रूट आए कोलैबोरेशन के, जो हलवा खा रहे क्योंकि बेचारे के मुँह में छाला हो गया। तोड़ने वाला गेम कभी मत देना। सारे सूट आए, 3 4 5 जल्दी जाके करना पड़ेगा। अम्मी यहाँ पे लाइट क्लियर नहीं आई तो अम्मी इनकी मैंने सबकी स्टोरीज डाल ली है। रात में अपना मेकअप निकाल रही हूँ कि आज मेरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी गायब हो गई है कि मैं धूप में फोटो शूट किया था ना। हम लोग जा रहे हैं डोनट का सामान लेने। कैसे बैठे हो? बंदर ऊपर से बाया पहन लिया है और भी रात के बज चुके हैं एग्जैक्ट 10:10। डिनर भी नहीं किया आज, हमने डिनर बाहर से मंगाया है क्योंकि कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा था। इसके अंदर रानी है, बिरयानी। गंदा जोक मारा है। इसमें ना बहुत सिंपल सा खाना खाया था। डोनट से सवाल लेने आते क्योंकि दुकान जो वो बंद हो जाएगी, उसके बाद आके आपसे बात करते। आप ऐसे पूछो घर पे कुछ खत्म हो रहा है तो बाल्टी तो भी ऐसी फरमाइश कर देते घर वाले, लगते हैं पूछना ही नहीं चाहिए था। बाल्टी, बाल्टी। रात में हम लोग जा रहे 10 बजे बाल्टी। कल मेरे लिए इतनी रात हो गई है, कुछ कारी आ गई। मिल्क चॉकलेट वाइट ब्लैक रिच कलरफुल। और ये क्या चीज है? सब लगा दो ना, सब डोनट को बना दो एकदम नई चमचमाती रिक्शा। सोडा, बेकिंग पाउडर, यीस्ट। यीस्ट है क्या? अच्छा यही रखी थी। बटर चाहिए? रोहन को पकड़ा। बस यहाँ पर इधर लिस्ट चेक कर रही है कि हमने कोई चीज मिस तो नहीं की है क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, पोपट नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो मुझे ये लेना है, मच्छरों का दुश्मन। पापा के लिए शुगर फ्री। रोहन चिप्स किससे पूछ के उठाया? हाथ से। मैदा भी हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं क्या लेने ऊपर, मेजरिंग कप्स और अम्मी की बाल्टी। हाँ। ये है ना, इसे छोटे तो है नहीं, एक बड़ी सी बाल्टी दे दो इसे छोटा। नहीं, कलर यही पिंक ले लो फिर। रैकेट लेना था। हम लोग आ गए घर, वापसी में हमें ऑटो ही नहीं मिला और रेहान ने एक भाई का फर्ज निभाया, भारी पूरा पकड़ के लाया, हमसे नहीं उठाया जा रहा था। हम लोगों ने एक ही झोले में इसलिए कराया था कि ऑटो में बैठ जाएंगे, यहाँ से ऑटो मिल गया, वहाँ से ऑटो ही नहीं मिला। मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अम्मी देखो मैं क्या लेके आई हूँ, मिर्ची का। मिर्ची का अचार बड़ी देख। लोग घर पे लाल मिर्ची का बनाते नहीं हो तो मैं बाहर से ले आई। मसाला नहीं जानते कैसा होता, हरी वाली का जानते हैं। मिर्ची कहाँ है इसमें? एक दो मिर्ची होंगी, मसाला ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त रात के 12:30 बज चुके और हम लोग स्टार्ट करें डोनट क्योंकि अब एग्जाम तो हो चुके हैं। कभी बनाया? नहीं आज तक नहीं। मैंने तो कभी नहीं बनाया क्योंकि मैंने तो केक भी नहीं बनाया। इसने खैर केक बनाया, बहुत अच्छा बनाती है, कभी कभी कड़क हो जाता है। चलो हम देखते हैं हम दोनों होंगे कामयाब या नहीं होंगे कामयाब। तो चलो हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। तीनों, ये तीनों चीजें तो एक शक्ल की लग रही है, तुम्हें कैसे पता चलेगा सोडा कौन सा? बेकिंग पाउडर सॉफ्ट सोडा है और सोडा थोड़ा वो होता है नमक जैसा। हम सगे भाई बहन लग रहे हैं। अब बताओ
बहुत इजी है, रुकना। एक मिनट, ये बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर, ये देखो ये कम है, मतलब जो चीज ज्यादा होती है वो ये कम देते हैं और जो चीज क्या बोलते हैं, कौन सा लॉजिक है ये न... इसने मेरा इतना दिमाग खराब किया इतनी देर, ये पाउडर है, ये सोडा है, ये सोडा है, पाउडर के बाद बोलती है दोनों एक एक चम्मच मिलाना है। तो फिर हमने क्यों इतना माता बच्ची करी, हमें पता होता फिर क्यों हम उनमें उनकी बिल्कुल डीएनए निकालते। ये मैदा है और ये बटर है, ये शुगर है, ये यीस्ट है और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दूध, बस। और ये दो बर्तन है, एक बड़ा और एक उसका छोटा, नहीं छोट नहीं बड़ा और उसका छोटा भाई। और ये दूध है छोटी सी भगोनी में, और ये मेजरिंग कप्स है, मेजरिंग स्पून है, ये इनका बड़े वाले पापा और ये चाची, और ये अमूल का छोटू सा डब्बू, 3/4 कप, यही तो है, 3/4 में लिखा होगा। अच्छे से जानती हो कि बेकिंग से मेरा दूर 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 का भी नाता नहीं है। 1/3 है, ये होंगे ना, ये कहाँ होंगे, तो फिर कहाँ से लाए 3/4, 1/4 कप। हमने यूट्यूब पे देख लिया है, यूट्यूब हमेशा सबके लिए सेवियर रहता है, तो 1/4 जो होता है उसको 3 बार लेंगे तो वो 3/4 हो जाएगा। दूध वाले भैया आते थे ना तो वो इस तरह से डाल के देते, तो बहुत अच्छा लगता था, सेम दूध वाले भैया वाली फीलिंग आ रही। शुगर आ गई है, विरिजा डाल रही है 6 टेबल स्पून शुगर। ईस्ट है क्या, पता ईस्ट मैंने आज लाइफ में पहली बार देखा, तो अरे तो खसखस जैसा होता है। 1, 2, 4 ये फूल जाएगा बहुत बड़ा, अरे इतना बड़ा फूल जाएगा, इतना बड़ा, कितना बड़ा फूलेगा, इतना इतना दूध फूल जाएगा, दूध नहीं आटा फूल जाएगा। रिजा तुम्हें सबसे अच्छा काम करने में लग रहा है, फॉइल करने में ना, फॉइल नहीं, नेल्स कल कल जाना चाहिए। 2 कप मैदा, ये क्या किया रिजा। अच्छा ये मैदे को एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट देख के एक बात याद आई है बचपन की, आपने क्या जमीन में कभी पाउडर डाल के उस पे घिसला है, ये लोग पता नहीं कौन से जमाने में रहे, ये मोबाइल के जमाने के नए बच्चे हैं, ये लोग सबवे सर्फर खेल के बड़े हुए हैं। और हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, पूरे हॉल में पूरा पाउडर जो टेलकम पाउडर आता ना डाल देते थे, और उस पे घिसल घिसल के एक दूसरे का पैर पकड़ के घिसाते थे, जब तक अम्मी को मना कर देते थे। और मैंने बोला कोई गिर गया तो बच्चों, जब घर में सब सो रहे होते थे तब हम उस टाइम आधे घंटे के लिए करते थे, फिर पूरा घर भी साफ कर देते थे, पर आप पाउडर डाल के छोड़ दो कोई फिसल जाए तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो पहले के जमाने की बातें थी, अभी आप मत करो। केक उसके अंदर चला जाएगा, उल्टे से निकाल, इसको उल्टा करो, आइडिया हमसे सीखा करो। जो जो चीजों को नई काम है उसे हम लोग रखते जाते हैं, तो बेकिंग सोडा नहीं डालता हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया, अगर यीस्ट डाल रहे हैं तो वो नहीं डालना। कितनी देर हमने डिस्कशन किया है, कौन सा वो है, कौन सा वो है, कौन सा सोडा है, कौन सा पाउडर है, और आखिर में वो यूज ही नहीं हो रहा है। मशीन से गूंद लो ना, नहीं गूंदता, हाथ से ही चाहिए। मैं गूंदू, नहीं मुझे अच्छा लगता है। क्या है उसने कुछ तो गलत मेजरमेंट देखा, इसके हिसाब से इसका ये पूरा लपसी बन गया। अरे वो अभी होएगा देखने, एकदम करेक्ट ऊपर से मिलाया है मैं। अरे देखो तुम, नहीं गीला कर दिया, नहीं हुआ, आप देखो एकदम करेक्ट, अभी इसको हमें आधे घंटे करना तब जाके ये आटा बनेगा, ऐसे नहीं होगा। आधे घंटे में तुम्हारे सनी देओल की तरह पूरे डोले शोले बन जाएंगे। इसमें मैदा मिलाती चली जा रही है। कहीं तुम मेरे साथ कोई प्रैंक व्रैंक तो नहीं कर रही हो? ये कैसा प्रैंक होएगा, तुम्हारे सामने सब बना रही हूं। पहले मेजरमेंट के हिसाब से सारी चीजें डलवा ली और अब मैदा मिलाती जा रही है। ओके अब इसको आधे घंटे रखना है, ये रखा, चलता गया। अरे 5 बार कर चुकी है, ऐसे अंदर से गर्म ही नहीं हो रहा, गर्म नहीं हो रहा एक बे, देखो तो बटन नहीं होता, पर ये भी गर्म नहीं होना छू, चल तो नहीं जाऊंगी, हो तो रहा है गर्म, बिस्मिल्लाह करके देखिए पानी गर्म हो गया, पानी भी गर्म नहीं हुआ, वही ऐसे हो सकता है, अच्छा खासा चल रहा था शाम तक, बंद करके कौन है, नहीं माइक्रोवेव किसने खराब किया, तेल डालेंगे जिसमें हम अपने डोनट को तलेंगे पकौड़ों की तरह, दर्जी भी बन गई। कुछ काटने के लिए चाहिए, ग्लास ले लो, ये है ना, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा ये ग्लास, अरे बहुत बड़ा होएगा, ये ले लो, अब हो जाएगा इसके पीछे आटा चिपक जाएगा हमारा। वाटर का ढक्कन मिल गया है, अरे ये तो होएगा ही नहीं, अच्छा तो ये क्या हुआ, डोनट कह रहा है मुझ में दम है तो गड्ढा करके दिखाओ तुम। रिजा कुछ ना होने से अच्छा है कि तुम ग्लास से कर दो, डोनट निकल जाएगा। रिजा मैं उंगली से बना देती हूँ, हर्षीज का ढक्कन लाइए यहाँ कर, हो गए, अरे हुआ, तो डाल दो, उन्होंने बोला ज्यादा गर्म नहीं और ज्यादा तेज नहीं, हाँ सही है, बिस्मिल्लाह, इतना भारी डोनट थोड़ी ना होता है रिजा, उनका तो बटर पेपर भी डाल दो, तेल में बटर पेपर डाल दो भैया, दूर से लो में डालो, बटर पेपर नहीं जलता, फूल रहा है और तल रहा है, थोड़ा डोनट आ रहा है।
ना मोटा, ये जो डबल रोटी होती है ना वो लग रहा है ऐसे। अब बीच से तो अभी उसको शेप में तो लाओ, थोड़ा बड़ा करो। हाय फ्रेंड्स, शार्पी अभी जब तक दूसरा वाला डोनट बना रही है, जब तक मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लेती हूँ। अरे इतना भारी बना है, किसी के सर पे मार दो तो लग जाए। तो फूट रहा है क्या? रहने दो, हम कलर डाल देंगे ऊपर तो नहीं समझ आएगा। शानू भाई को एक खिला देंगे प्रैंक वाला। किसी को और जला दो रिजा, वापस डाल दे। भाई ने हमारे साथ प्रैंक किया था ना, अभी हम लोग करते हैं। एक डोनट इत्तेफाक से जल गया, अल्लाह ने हमें आइडिया दे दिया, अभी हम उसको और जला देते हैं और उसको एकदम हम उसमें पूरा चॉकलेट में उसको रैप कर देंगे, मतलब कवर कर देंगे और उसके बाद भाई को बोलेंगे भाई मैंने डोनट बनाया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, फिर हम इसमें ये डाल देंगे। लगे अच्छे से ये वाला कुछ बहुत ही गर्म है प्लेट, ये वाला कुछ अरे प्लेट बहुत गर्म है। सब देखिए, अलग अलग जाति प्रजाति प्रकार के डोनट जो है वो बन गए हैं और बहुत भारी है। मुझे नहीं समझ में आया कि डोनट तो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भारी बने। जो हो गया अभी बसता है डेकोरेशन, तो चलो हम डेकोरेशन करते हैं। तुम बाकी की चीजें ले आओ, वेडियो डोनट्स खा लो। हमने सोचा जब बनाया है तो आपके सामने हम आप रिएक्शन भी देते हैं, घर वालों को सुबह खिलाएंगे। हाँ। देखने में ठीक है, देखने में ठीक है, टेस्ट में भी ठीक ही होंगे, ऊपर से शायद कवर हो जाए। चलो देखते हैं। जाओ, कौन सी रेसिपी देखी थी? जब ABCD भी नहीं पता डोनट की तो क्यों बनाया? क्यों रात में पूरा मुंह खराब कर दिया? तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बंद करो कैमरा। क्या है? रुको, बहुत अच्छा बना। डरा दिया। सीरियसली रिजा बहुत हल्का भारी है फ्रेंड्स, उसके लिए आप हमें बताइएगा कि हम हल्का कैसे बनाए, लेकिन इतना यमी और रिजा को डरा दिया। फिर हम लोग सो जाते हैं, कल घर वालों को खिलाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। मैं कैसी लग रही हूँ? तभी हम लोग जा रहे हैं सोने, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज। आ गए स्कूल से? आ गए। इतनी गर्मी है, रेहान माइक्रोवेव खराब हो गया, पता चला। रेहान को पता ही नहीं कि माइक्रोवेव खराब हो गया। अरे वो कह रहा है मैं झूठ बोल रही है। रेहान सो गए तो अपने जगह सही है। अरे आप झूठ बोल रहे हो तो रखो कोई चीज, होशियार बनता है ना। डोनट बनाए देखे तुमने? क्यों, क्या हुआ? गरम नहीं हो रहा। अब पता चला, लंच टाइम हो गया है और दो अलग अलग सब्जियां बनी है आज। मेथी बनी है सबके लिए, आलू गोभी। आलू गोभी नहीं, आलू बैगन खड़े मसाले। हमारे सूट की तारीफ कर रहा था। हाँ, मम्मी आज बड़े अच्छे से सूट पहन रही हो। अब जुमे को तो वैसे भी अच्छा पहनती है ना। माइक्रोवेव आपने खराब किया है ना? नहीं किया है। नहीं हमने नहीं किया, हम तो अम्मा तुमने किया है माइक्रोवेव। नहीं मैंने कहा अम्मा, इधर पानी गर्म करने की मशीन। अम्मा कब छुआ तू आता रात में? तुम चुपके से गर्म करने मैंने लगी भाई। अम्मा दिन रात मैंने चीबू का क्या कह रहा था तू? रात में उठ के देखा था तुम पानी गर्म करके पी रहे हो। जून जून मार के जून वाला दिया। हां फिर किसने खराब किया? अम्मी बेटी ने। तुम दोनों ने किया, तुमने रिजा ने 2:30 बजे रात में तुम दोनों ने किया चुपके से। हमारे पहले ही वो खराब था। नहीं, नहीं। वो गवाह नंबर वन चश्मदीद गवाह, बताओ हमारे काम स्टार्ट करने से पहले ओवन खराब था? क्योंकि शाल्पी दबाई भी नहीं, जब मैंने चेक किया था वो गर्म ही नहीं हो रहा था। लाइट तो जला दो। नमाज हो गई है और अभी मैं ऐसे झूला झूल रही हूँ। वीडियो के बाद मैंने देखा कि ये कितना गंदा लग रहा है रिजा, कैची लेके यहाँ से निकालते हैं। रेहान तुम्हारी ताकत दिखाने का वक्त आ गया। हमारा आज का लंच तो क्या बना है? वही जो कल बता रहे थे ना। क्या? ये डोनर डोनल डोनट। वो तो बिग बॉस वाली है। एक बार फिर से बताओ। डोनट। हाँ डोनट ये भाई के नहीं है तो नहीं है। सही से बताऊं बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जैसे मावा केक। हाँ पूरा वैसा का वैसा। डर रहे थे कि कहीं भाई से सुनवाई कर रहे हैं। डरे हुए सब डरे हुए हैं ना। दूध का चला
छाछ भी भूख भूख के पीते हैं। हाँ, इसीलिए और कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा देखा ये वाला हमें इनाम देना पड़ेगा तुम लोगों को। ये रिजा कांग्रेचुलेशन। ये क्या है? डोनट। डोनट बहुत अच्छा। डोनट नहीं, डोनट। डोनट बहुत अच्छा है बेटा, जाओ। असली बताओ, सीरियसली अच्छा डोनट खाए कभी असली में? हाँ खाए, दो बार लाइफ में। तो कैसे लग रहा है? ये वैसे ही लग रहा है। अच्छा वो कटा हुआ हमें दे दो, वो टूटा हुआ दे दो हमें। खा लिया तो थोड़ा दे दो, वो टूटा हुआ गोरा वाला। बेटी कह रही है बाहर रेडीमेड भी मिलते हैं, तो मम्मी कह रही है हाँ मिलते हैं ना इडली में, इडली के साथ देते हैं ना वो गोल गोल बना के। वो बड़ा डोनट है हमने। थोड़ा मुझे भी बचाना, ये मेरा फेवरेट होता है। यू हैव फॉरगॉटन, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। यस, लेट्स गो टू बार्बर शॉप। व्हाई? आई हैव टू कट माय हेयर नो। अरे आंकी अम्मी ने कह दिया बिल्कुल छोटे छोटे करा दो। बिल्कुल। अभी हम लोगों की मेहनत जो है, स्पेशली रिजा की मेहनत जो है, वो रंग लाई है। कैसे लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? बहुत इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। आई एम फीलिंग वेरी गुड, डोनट इज वेरी सॉफ्ट एंड But it is and very beautiful also. Yes, but it is little heavy. Friends, please suggest us how to make it little light. We are waiting for your comments. Please tell us. दादा अभी कितने के जी का है? संतोष भी आपको डोनट कैसा लगा? इसमें भी फोटो शूट करना है, इंशाल्लाह हम कल करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं माइक्रोवेव लेके। माइक्रोवेव जो है वो भैया पहले ही लेके उन्होंने कार में रख लिया, और हम देखते उम्मीद करते कि वो ठीक हो जाए, हमें नया ना लेना पड़े। अभी हम निकल चुके हैं और ये मुझे कुरियर करना था। इंस्टाग्राम पे मेरे एक फॉलोअर से मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ भेजूंगी, उन्होंने एक बार गिव अवे जीता था, काफी टाइम से नहीं दे पाई थी, तो मैं उनके लिए वाला सूट लेके आई थी हिजाब से उनके लिए। तो बस अभी हम जाके कुरियर करेंगे, माइक्रोवेव ठीक कराएंगे। ठीक होता है नहीं होता क्या होता है हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डोनट जो है वो हल्के कैसे बनेंगे। अगले ब्लॉग।